और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सभागार में 107वीं बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। बोर्ड बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष, सचिव, मुख्यमंत्री और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे का उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वागत किया। बोर्ड बैठक में 64 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर बोर्ड ने विचार विमर्श किया। बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें इको रिसोर्ट निर्माण, मोबाइल टावर से संबंधित शासनादेश को अंगीकृत किया गया। इसके लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। मोबाइल टावर से संबंधित मानचित्र पास कराने के लिए आईटीडीए में आवेदन करना होगा। आईटीडीए के माध्यम से एमडीडीए को नक्शे प्राप्त होंगे, जिसकी 7 दिन में प्राधिकरण को रिपोर्ट देनी होगी। 7 दिन में रिपोर्ट नहीं लगने की स्थिति में मानचित्र को स्वतः पास मान लिया जाएगा। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित फसाद नीति को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसके लिए बोर्ड के समक्ष द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के द्वारा भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। आपको बता दें कि फसाद का कार्य केवल मुख्य मार्गों पर ही किया जाएगा और प्राधिकरण के द्वारा इसके लिए वास्तुकला और कलाकृति और शिल्प के समावेश से संबंधित डिजाइन की भी मंजूरी मिली है। साथ ही मानचित्रों में सड़क की चौड़ाई को लेकर नियमानुसार शिथिलता प्रदान की गई है। इसमें 25% तक की छूट को प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया गया है। बता दें कि ISBT देहरादून का संचालन और रखरखाव अब प्राधिकरण ही करेगा। इससे पहले इसका संचालन रैम की कंपनी करती थी। साथ ही बैठक में 50 से अधिक मानचित्र भी स्वीकृत किए गए। बोर्ड बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बरनिया के द्वारा किया गया। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।